कि नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि हमको मन नहीं है। नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि हमको मन नहीं है। और ये शेर उद्धव ठाकरे की ओर से कि मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, भाजपा वालों मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। तो ये गजल का तरीका है कि गजल समझ। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, इस बात पर बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदी के पास कहने की असंख्य विधाएं हैं। हिंदी की विधाओं का सार्वभौम प्रयोग करने वाले जावेद भाई बैठे हैं, जिन्होंने अद्भुत प्रयोग किया है। गीतों में छंदात्मकता सौंपी, एक नया भिन्न विधान दिया है। मैं ठहरा रहा जमी चलने लगे, ऐसा अद्भुत छंद विधान उन्होंने दिया है। लेकिन मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि हमारी मौसी उर्दू के पास एक ऐसा विधान है जिसे गजल कहते हैं, जो हिंदी के पास नहीं हो पाया। उसमें अपनी बात कह देने का जो अद्भुत तरीका है, वो शायद किसी दूसरी भाषा के पास नहीं है। मैं उसी तेवर के एक शायर अजहर इनायती साहब से अनुरोध करता हूं, जो उर्दू के आचार्य कवि हैं। आपकी तालियां जरा थोड़ी कमजोर थी, पेश करता हूँ कि आज जश्न राहत को मैं आपकी खूबसूरत समाधियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जश्न राहत को कामयाबी नहीं यादगार बना रहे। आइए अध्यक्ष राहत साहब की खिदमत में पेश करते हैं, उनको नजर करते हैं। मैं अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से, मगर ये इस तालियों की गड़गड़ाहट में सुनिए शेर। लगा करें मतला के इस रास्ते में जब कोई सारा न पाएगा, इस रास्ते में जब कोई सारा न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। इस रास्ते में जब कोई सारा न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। और खास तौर से सुन रहे यहाँ दोनों बसों के लोग भी बैठे हुए हैं और दोनों मजहबों के लोग भी बैठे हुए हैं। खास तौर से बता देंगे कि हमारी संस्कार क्या है।